हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ आतिफ भाई, फ्री हैं? हाँ फ्री हूँ, कौन बात कर रहे हैं? अरे भाई, मैं अफू खान बोल रहा हूँ, आपका छोटा दीनी भाई। हाँ 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 कहाँ से कहाँ से भाई? यूपी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश? हाँ बोलो भाई, अफू भाई बोलो। हाँ भाई, आप आतिफ भाई बोल रहे हैं ना? कहाँ रहते हैं भाई आप? हेलो भाई, आप कहाँ रहते हैं? कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक से हैं भाई। आपने वो बात की थी क्या नदीम खान भाई से? एक ऑडियो आई थी मेरे पास, आप ही ने बात की थी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? हाँ आ रही है, आ रही है, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है ना, बोलो। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आपकी ऑडियो आई थी नदीम भाई से, आप ही ने बात की थी नदीम भाई के साथ? हाँ 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 अच्छा, वो आप ही थे ना? हाँ मैं ही था। अच्छा अच्छा भाई, वही हम मतलब ऑडियो मतलब भाई को हम सुन रहे थे, लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ भाई। क्यों, किस बात का भाई? आप मतलब बिना तहकीक किए बताइए, आपने भाई वो आर्टिकल पूरा मतलब बना दिया, और ऊपर से आप मतलब अपना आपको मतलब बहुत बड़ा मतलब अल्लामा समझ रहे थे कि हाँ देखो मेरे आर्टिकल आने के बाद ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा था क्या आर्टिकल में? वो आर्टिकल में कौन सी दलील चाहिए? नहीं, वो था क्या आर्टिकल मेरे भाई, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। वो मैं तकरीबन 4-5 आर्टिकल बनाया इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने के तालुक से, अच्छा, और अच्छा। ना करने के तालुक से, और सीने के ऊपर हाथ ना बांधने के तालुक से, और नाक के नीचे हाथ बांधने के तालुक से। अच्छा, नहीं सीने के ऊपर हाथ ना बांधने के तालुक से, तो आपने मतलब भाई अपनी अम्मी की सलाह की आपने किस तालुक से भाई? आपने अपनी अम्मी की या मतलब भाई वो बहन की या बीवी की या बेटी की या भांजी की आपने कोई की भाई इसलाह की कि सीने पे हाथ ना बांधो? किस्मत से हाथ बांधने के तालुक से। हाँ भाई, सीने पे हाथ बांधने के भाई वो बारे में आपने आर्टिकल बना दिया है, तो आपने अपनी अम्मी की भाई इसलाह की? अभी अफवाह क्या बोलो कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क है या नहीं है? नहीं, वो तो फर्क नहीं है, ये तो जो लोग भाई वो कूफी कयासी उनके वहाँ फर्क होता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मान लिया, बहुत अच्छी बात है भाई, इतनी आसानी से आप मान गए, आप तो बड़े अच्छे इंसान निकले। अभी तो मेरी बात सुनो ना, दूसरी बात, पहली बात तो सुन लिए। नहीं नहीं, पहली नहीं, आपने कहा कि सीने पे हाथ भाई को ना बांधने के ताल्लुक से आपने बनाया ना आर्टिकल, तो उसमें आपने पहले अपनी जो आपकी औरतें हैं हनफी औरतें, आपने उनकी सलाह की? नहीं अबू भाई, मेरी बात सुनो, आपने कहा कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है। अरे ये दूसरा टॉपिक है अभी, बात भाई वो भाई, इसीलिए मेरे को बात करने में अच्छा नहीं लगता कि आदमी टॉपिक से भागने लगता है। आपकी बेटी से, आपकी बीवी से कभी आपने कहा कि ऊंची आवाज से आमीन क्यों नहीं कहते? हाँ तो कहा ना मेरे भाई, आपने कहा कि मर्द और औरत की कोई नमाज में कोई फर्क नहीं। हाँ कोई फर्क नहीं है मेरे भाई, जो तरीका है वो जो बेसिक तरीका है बिल्कुल सेम है। और ये भाई ये मैंने भाई नहीं कहा, ये तो बड़े बड़े भाई वो मौदिसीन ने कहा है, इमाम बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा है कि औरतों मर्दों की जो नमाज है बिल्कुल सेम है। भाई सहाबिया का अमल है कि भाई वो उम्मे दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो एक बहुत अच्छी सहाबिया थी, ठीक है, वो भाई वो नमाज में उस तरह बैठती थी जैसे आदमी बैठते थे। नहीं नहीं, वो उनका एक अमल, आप बाद में बोलो करते, मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, आमीन जोर से बोलनी चाहिए, आहिस्ता बोलना चाहिए भाई, औरतों को भी आमीन बोलना चाहिए। हाँ तो फिर क्यों बोलती क्यों नहीं है? तो बोलती तो है, अब आपकी भाई आपकी मस्जिद में औरतें आती नहीं तो आपको कहाँ से पता चलेगा? नहीं, देखो मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हाँ 100 साल आप भाई अहले हदीस से भी 100 साल बाद आपने हनफियत को भाई कबूल कर लिया, ये भाई ये सभी स्टोरी हमको ना बताइए। आपने कभी किसी औरत के साथ नमाज पढ़ी है भाई मस्जिद में? पढ़ाओ ना भाई। अच्छा भाई, कौन सी मस्जिद थी भाई वो? हेलो, नाम नहीं बोलना चाहता मैं। अरे नाम नहीं क्या मेरे भाई, कोई मस्जिद थी ना मेरे भाई? मस्जिद क्या, आपने मंदिर मंदिर में आप चले गए थे? मैं पढ़ा, आप लोग मंदिर में पढ़ते हो क्या नमाज? नहीं, आप ऐसा बता रहे भाई, वो नाम नहीं भाई को हम लेना चाहते तो मस्जिद का नाम होगा ना, तो इसमें भाई वो चोरी क्या है? हमको तो लग रहा है भाई वो मंदिर को मस्जिद समझ के चले गए थे। अरे तकलीफ की क्या बात है भाई, जो
मेरे जो लेडीज के साथी है उनको तकलीफ होगी ना। अरे मेरे भाई जो भी भाई बात भाई सच है, अगर सच बोलने से अगर किसी को भाई तकलीफ होती है तो होने दो, ठीक है। ये अहले सुन्नत वल जमात का उसूल है। आपकी औरतें अजान भी देती है क्या? अरे अजान अलग मामला है मेरे भाई, आप कहाँ कहाँ भागोगे? अभी आप नमाज से भागोगे, फिर भाई वो इमामत पे भागोगे, फिर अजान पे भागोगे। आपकी औरतें इमामत भी करती है? अरे अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला पन्हा भाई वो औरतों की इमाम बनती थी, तो इमामत की नहीं? अभी आपकी औरतों का बोल रहा हूँ मैं। अरे मेरे भाई सहाबी की हम आपको दलील दे रहे हैं, मेरे भाई उम्मत भाई जो उम्मत की माँ है मैं आपको उनका हवाला दे रहा हूँ, तो आप मेरी औरत के ऊपर बांध रहे हो। अजीब मेरे भाई पागल आदमी हूँ। देखो अफू भाई पागल आदमी कौन है थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। वो भाई वो हमने आपकी ऑडियो जब सुनी थी नदीम खान भाई के साथ, तो हम जान गए थे वाकई आपका ऊपर का माला थोड़ा भाई थोड़ा मतलब कमजोर है, तो इसीलिए हमने आपको फोन किया है कि थोड़ा आपका ऊपर का माला थोड़ा भाई वो टाइट कर दे, हो सकता है अल्लाह आपको हिदायत दे दे। हकामत देती है क्या है भाई? आपकी औरतें हकामत देती है? हकामत देती, हकामत बोलती है क्या आपकी औरत मस्जिद में? हाँ मेरे भाई अगर औरतों की जमात है तो औरतें इमाम है तो औरतें देंगी ना इमामत। नहीं 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ है क्या? क्या औरत ने भी इमामत किया है, मर्द भी पीछे खड़ के नमाज पढ़े? अरे अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी भाई वो इमाम बनते थे, उनके पीछे भाई वो सहाबा थे, सहाबा के पीछे बच्चे थे, बच्चों के पीछे भाई औरतें थी, औरत के नमाज में कोई ठीक है। ऐसा तो ही ना है कि एक मर्द एक औरत, एक मर्द एक औरत कांधे से कांधे कदम से कदम को जोड़ के नमाज भाई वो लोग पढ़ते थे, ऐसा तो ही ना है? क्या नमाज पढ़ा दी है क्या मर्दों की ये भी? भाई देखिए मेरे भाई अगर आप फिर इधर से उधर भागते रहेंगे कूदते रहेंगे भाई वो मेंढक की तरह, तो उससे फायदा नहीं होगा ना मेरे भाई। आप ये बताइए अगर सीने पे भाई को हाथ बांधना गलत है तो आपने अपनी माँ को रोका, आपने अपनी बहन को रोका, आपने अपनी बीवी को रोका, आपने अपनी बेटी को रोका? और अगर नहीं रोका तो पहले जाके उनको रोकिए, बाद में लोगों को भाई रोकिए ना, पहले अपने घर से स्टार्टिंग कीजिए। इमामत नहीं कर रही है आपकी माँ, इमामत नहीं कर रही है, इमामत नहीं दे रही है। अरे क्यों नहीं करती मेरे भाई, करती क्यों नहीं है मेरे भाई? कहाँ पर कर रही हो तो बोलो तो बोलो। नहीं आपके देखने आज तो मेरी भाई नहीं, आपने मेरी अम्मा बहन बीवी बेटी को देखा आज तक? नहीं 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 मैं वो बोल रहा नहीं, तो जब मैं कह रहा हूँ करती है तो करती है, अब आप मान जाओ मेरे भाई। अभी अपना कोई साथी है उधर, मैं आपको अल्लाह के नबी की बीवी का हवाला दे रहा हूँ, उम्मत की माँ का हवाला दे रहा हूँ कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला ना वो औरतों की इमाम बनती थी, तो आपके पास समझ में नहीं आ रही है? कोई देवबंदी है वहाँ पर साजी, उसका नंबर दो मुझे, मैं बात करूँगा। आपके मस्जिद में कोई कौन औरत हकामत देती है क्या बोल के? अरे मेरे भाई मैं बात करवा दूंगा, पहले आप ये बताओ आपकी अम्मा सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे बांधती है? आपकी औरतें आपकी अम्मा आपकी बीवी आपकी बहन आपकी हाँ हमारी भाई हमारी अम्मा हमारी बीवी हमारी औरतें हमारी पूरी जमात की औरतें उस तरह नमाज पढ़ती है जैसे अल्लाह के नबी ने भाई नमाज पढ़ी है, आपकी औरतें भैया एकदम अलग ही नमाज पढ़ती है। आपो भाई किसी देवबंदी का नंबर दो तुम्हारे दोस्त का जल्दी दो। अरे देवबंदी का नंबर भाई मैं क्यों दूं मेरे भाई, अहले हदीस से बड़ा कोई आ गया है क्या इल्म के मैदान में? खाली दिमाग है देवबंद वाले, देवबंदियों को भाई मैं ज्यादा को अपने ऊपर मतलब भाई वो नहीं करने देता हूँ अभी, ठीक है? पूछूंगा ना क्या चल रहा है माजरा बोल के। अरे मेरे भाई देवबंदी कोई नहीं आता हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने, सब लोग खार खाते नफरत करते हम लोगों से। कौन है अभी वहाँ पर? कोई नहीं है दूसरा? अरे भाई मैं अकेला हूँ इस समय मेरे भाई, आपको बात करना है मैं जुम्मे वाले दिन जाऊंगा अपने आलिम साहब से आपकी बात करवा दूंगा कि हमारे वहाँ की जो औरतें हैं उनका इंतजाम भाई भाई वो नीचे वाले भाई उस पे आदमी लोग ऊपर पड़ते हैं, ठीक है? ये मसले पे जुम्मा के दिन बात करा देना आप। हाँ हाँ बात करा देंगे, पहले आप वापस भाई टॉपिक पे आइए और फोन काट के आप ना भागिएगा। एक चीज बता दीजिए आपकी अम्मी भाई वो नाक के नीचे हाथ बांधती है या सीने के ऊपर? आपकी अम्मी सीने पे हाथ बांधती है या नाप के ऊपर? मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? अरे मेरे भाई ये सब बोल बच्चे ना तो मेरे भाई तुमसे जो पूछ रहे हैं वो बताओ ना। अच्छा ठीक है तुम अपने लियाज गुम्मन से बोलो मेरा फोन भाई वो काई नहीं उठाता है, और तारिक जमील से बोलो कि वो मेरे से बात क्यों नहीं करता है, जाके सबसे बोलते फिर तुम अबू भाई रफेदन पे बात करेंगे। लो फिर यार अलग भाग रो अलग बंदे, तुम्हारी जो माँ है वो कहाँ हाथ बांधती इतना बता दो, सीने पे बांधती है या नाप के नीचे? बात चले गए ना तुम, बाद में जुम्मा चले गए ना। अरे मेरे भाई आतिफ भाई आपने आर्टिकल बनाया है कि सीने पे भाई वो हाथ कोई को नहीं बांधना चाहिए, ठीक? तो आपकी अम्मी सीने पे हाथ बांधती है या नाप के नीचे बांधती? अभी तुम जुम्मे को भागोगे इसलिए ना जुम्मे पे बात। अरे भाई मैं भागता नहीं हूँ मेरे भाई, मैं अफू खान
अलाहाबादी हूँ, ठीक है। मैं लोगों को पानी पिला पिला के भगाता हूँ, ठीक है। अभी आप जानते मतलब नहीं है पानी मेरे तुम बारे में। प्यासे मर जाए तो भाई पानी तुमने नहीं तो पानी नहीं मेरे भाई, हमसे बोल बच्चन की बातें ना करना मेरे भाई। तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं कि आपकी अम्मी हुजूर वो सीने पे हाथ बांधती हैं या नाक के अभी नीचे यही तो बोल बांधती रहा है। हूँ, आपके अम्मी हुजूर अकामत देती है। हाँ मेरे भाई देती हैं। हाँ चलो उसी लिए मुझे किसी देवबंदी का, किसी देवबंदी अरे हो या मैंने तो कहीं बोल दिया, तुम भी अपनी भाई वो जबान से बता दो, हम मान लेंगे। तुम्हारी अम्मा भाई को सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे बांधती है बता दो। अरे तुम मेरी कोई से बात ना करो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तुम्हारी माँ है भाई, तुम बेहतर जानते होगे ना। तुमने अपनी माँ को देखा नमाज पढ़ते हुए कि नहीं भाई? भाई आपकी अम्मी नमाज पढ़ती है या नमाज भाई वो पढ़ती नहीं है ये बताइए। अगर पढ़ती है तो आपने देखा होगा ना भाई। इसको कहते हैं टॉपिक से भागना। अब आपकी होने वाली है बहुत कायदे से पिटाई धुलाई, ठीक। इसलिए आप भाई टॉपिक से भाग रहे हैं। आपके अम्मी सीने पे हाथ बांधती हैं या नाक के रिकॉर्डिंग हो नीचे? रहा है आपको भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे रिकॉर्डिंग मेरे पास भी हो रहा है, अभी व्हाट्सएप पे जाएगी, लोग जान जाएंगे कि आप कैसे टॉपिक से भाग रहे हैं। आपको अपनी अम्मी का अमल नहीं मालूम है और आप दूसरों के ऊपर भाई वो ताना देते हो। पहले हदीसों के बारे में सीधा बोलते हो, आपको आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बातें करने लगते हो। जाके अपनी अम्मी हुजूर से पूछिए कि आपकी अम्मी हुजूर नाक के नीचे हाथ बांधती है या सीने पे बांधती है। मैं आपको बता देता हूँ, आप नहीं बता पाएंगे अपनी अम्मी के बारे में। आपकी जो अम्मी है, आपकी जो बीवी है, आपकी जो बीतिया है, जो आपकी भाई वो हनफी मसलक की औरतें, वो सीने पे हाथ बांधती हैं, ठीक है। चलो अफो भाई किसी देवबंदी से बात कराओ बाजू से। अरे देवबंदी से क्यों बात कराओ मेरे भाई? अहले हदीसों से क्या बात करने का दम नहीं है? अहले हदीसों से बात करने में आगे से गीली, पीछे से पीली, ऊपर से लाल और नीचे से नीली हो रही है। सब हो गई है तुम्हारी, तो वही तो बता रहे हैं। देखो इधर इधर भागो मत भाई, तुम जितना भागोगे वहाँ भाग भाग के घसीट के तुमको वापस खींच के लाऊंगा। तुम्हारी अम्मी सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे? यार आते भाई तुम मेरे भाई कितनी बार मैदान में उतरोगे ये बताओ। अभी तुम मैदान में उतरते हो या कहीं मतलब भाई वो नंगा नाच करने उतरते हो ये बताओ। अब तुम मैदान में उतर रहे हो लेकिन तुम्हारा नंगा नाच हो रहा है। अब ईशा की नमाज हो गई क्या तुम्हारे पास? हाँ लो बेटा, अब तुम भागोगे कह दोगे यार वो नमाज पढ़ने। अभी वो कोई औरत आके इमामत से आवाज है? नहीं नहीं मेरे भाई तुम एक ही बता दो, तुम्हारी अम्मा सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे? तुम्हें मालूम है कि नहीं इतना बता दो। तुम्हारी अम्मा आवाज से आमीन बोलती है? हाँ बोलती है मेरे भाई, कितनी बार कहूँ, बोलती है बोलती है बोलती है बोलती है बोलती है बोलती है। जब कोई फासिक और फाजिर तुम्हारे पास खबर लाए तो उससे उसकी तहकीक कर लिया करो। तो अहले हदीस फासिक फाजिर होता ही नहीं है। अहले हदीस तो मुहद्दिसीन होता है, कुरान हदीस को मानने वाला होता है, सहाबा की जमात होती है। माज अल्लाह सहाबा को आपने फासिक बोल दिया? अबे कैसे मेरे भाई, तुम अजीब पागल आदमी हो भाई। अफू भाई ये नाम जपने से भाई कुछ नहीं होने वाला है। आपकी आपकी प्यारी माँ वो सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे हाथ बांधती है? उसकी दलील लो। आपकी माँ सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे हाथ बांधती है? आपकी अम्मी सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे हाथ बांधती है? एक बार सुनाओ भाई, 13 मिनट हो चुके हैं, आपने अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपकी अम्मा सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे। आपने भी दलील नहीं दी ना। अरे मैंने तो बोल दिया मेरी अम्मा अमीन बोलती है। अब क्या भाई मैं चिल्ला के कहूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दूँ, क्या करूँ मेरे भाई, जान दे दूँ अपनी तुम्हारे लिए? वहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं तो वहाँ पर नहीं सुना। अरे तुम नहीं रहते हो तो मेरे भाई तुम ना रहो, मैं कब कह रहा हूँ तुम आके रहो। तुमको अगर भरोसा नहीं है तो आके देख लेना। अब इसका मतलब आप तुम ये बता दो मेरे भाई, तुम्हारी अम्मा सीने पे हाथ बांधती है या नाप के नीचे मेरे भाई? बता दे जल्दी अल्लाह के बंदे, भाग मत, जितना भागेगा उतना भगाऊंगा तुझे। भाई आज जितना भागेंगे उतना भगाऊंगा आपको अल्लाह के बंदे। आप हो कहाँ? आपने अपने बाप को फोन कर दिया है गलती से, आपने अपने बाप अफू खान को फोन कर दिया है। अरे बबुआ आपने अपने बाप अफू खान को फोन कर दिया है। आप इतना बता दीजिए कि आपकी अम्मी सीने पे हाथ बांधती हैं या नाक के नीचे बांधती हैं? बताओ आतिफ कैसा मुकल्लिद है भाई, भाई कैसे जाहिल मुकल्लिद है, उनको अपनी अम्मा के बारे में नहीं मालूम है और वो अहले हदीसों से पकड़ा लेते हैं। अहले हदीसों से पंगा है? अहले हदीसों से पंगा लोगे? अबे भाई तुमको अपनी अम्मा का अमल नहीं पता है, तुम दुनिया भर का ठेका ले रखते हो बहुत बड़े भाई। वो दीन के ठेकेदार हो तुम भाई? तुम दीन के ठेकेदार हो भाई? तुम दीन के ठेकेदार हो? कोई इमामत? अबे तुम हो कौन बे?
तुमको ना कुरान के बारे में मालूम है ना हदीस के बारे में मालूम है, बस तुम कुत्तों की तरह भौंकते रहते हो भौंकते रहते हो भौंकते रहते हो, ठीक है। तुम्हारे पास भौंकने के अलावा कोई काम है कि नहीं? अरे अजीब पागल आदमी हो मेरे भाई, बात मेरे भाई बात तुम्हारी हमसे हो रही है, हमसे बात नहीं कर पा रहे हो, फला का बता रहे हो फोन नहीं उठा रहा, नमाज नहीं उठा रहा। अरे मेरे से क्या मतलब यार, कोई फोन तुम्हारा उठाए ना उठाए, तुम्हारे ऐसे पागलों का कौन फोन उठाएगा भाई? जो इंसान को बात करने के आदाब नहीं मालूम है, एक सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, तुमसे कौन बात करेगा? दलील दो यहाँ पर भाई, दलील तुम दो। तुम्हारी अम्मा सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे, तुम्हें मालूम है कि नहीं? या तो इनकार कर दो हमको नहीं मालूम है तो हम दूसरा सवाल पूछें। तुम्हारा साथी आ गया, बात करो जरा। हाँ बात करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। हाँ भाई आपका नाम? मौलाना मैं समीर बोल रहा हूँ। जरा बोला नहीं मौलाना, इन्होंने नहीं है बोल रहे, सीने के ऊपर हाथ बनने के लिए। भाई कौन बोल रहा है मेरे भाई? मैं समीर बोल के कर्नाटक से। हाँ भाई देखिए भाई, समीर बोल के कर्नाटक से। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अम्मी भाई वो सीने पे हाथ बांधती हैं भैया नाप के नीचे हाथ बांधती, मेरे को इतना बता दीजिए। नहीं मैं मेरी बात पूछ रहा हूँ, हमारे अम्मी की बात नहीं। मैं पहले जो मेरा सवाल चल रहा था, मैं अपना सवाल मैं कम से कम 15 मिनट से पूछ रहा हूँ कि आपकी अम्मी भाई वो सीने पे हाथ बांधती हैं या नाप के नीचे, उन्होंने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। अगर आपको मालूम हो तो दे दो उनको, बात करो। हेलो अप्पू भाई, ये भी नहीं दे रहा है दलील, ये भी बोल रहा है कि तुम्हारे से भागो, तुम तो भाग रहे हो अप्पू भाई। अरे वाह मेरे भाई, दोनों लोगों से एक सवाल किया और आगे से गीली पीछे से पीली ऊपर से लाल और नीचे से नीली हो गई। अरे भाई ये भी नहीं दे रहा है। भाई आसिफ मेरे भाई, अल्लाह के बंदे, आज से तुम्हारा नाम अल्लाह का बंदा नहीं, आज से तुम भाई शैतान के बंदे हो गए हो, क्योंकि तुमको तुम्हारी अम्मा का हाल नहीं मालूम। जिस माँ ने तुमको 9 महीने अपनी कोख में रख के पैदा किया, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, तुमने आज तक उसको नमाज पढ़ते हुए देखा ही नहीं। तुमको तुम्हारी अम्मा का हाल नहीं मालूम है, तुमको तुम्हारे घर का हाल नहीं मालूम है, और तुम अहले हदीसों के ऊपर बहुतान मानते हो, अहले हदीसों पे झूठ बोलते हो। है अजीब मेरे भाई मेंटल आदमी हो यार।